नमस्ते, मैं किन्नर उत्तम बाबा सपन सेनापति। मैं विदर्भ अध्यक्ष भी हूँ और अभी 1 दिसंबर 2018 को हम विदर्भ स्तंभ में जाकर विदर्भ ज्योत निर्माण करने वाले हैं और वहां से हमारा आंदोलन चालू हो जाएगा। ये आंदोलन बहुत बड़े तादाद से आंदोलन कर रहे हैं, मगर हमें सरकार को ये बताना है कि सबसे पहले 1 तारीख से वे पूरे विदर्भ के अंदर में शराब बंद कर दे। जितनी भी बियर बार है, शराब है और इलीगल शराब जो बिकी जा रही है वो सारे बंद हो जाना चाहिए। अगर वो बंद नहीं करते हैं तो हम तोड़फोड़ आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और सारे सारी शराब की दुकान, बियर बार, ये सब तोड़ेंगे। ये मेरा ऐलान है, ये सरकार से मेरा ऐलान है और मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने शराब नहीं बंद किया और क्या से उग्र आंदोलन छिड़ा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेंगी खुद। ठीक है, इसके पहले आपने जो पुलिस विभाग है उसको सूचना दी क्या कि आप ये जो आंदोलन कर रहे हो? देखिए, सूचना किस तरीके से देना है मुझे ये जवाब दीजिए। विदर्भ का मुद्दा आज से नहीं, कई वर्षों से चलते आ रहा है। सरकार को मालूम है, बीजेपी को मालूम है, बीजेपी ने भी आश्वासन दिया था कि हम विदर्भ राज अलग करके देंगे करके। इंदिरा गांधी ने भी उस समय में कहा था कि हम विदर्भ अलग देंगे, मगर ना कांग्रेस ने विदर्भ अलग दिया ना बीजेपी ने विदर्भ अलग दिया। ये नेता, भ्रष्टाचार नेता, सिर्फ आकर आश्वासन देते, विदर्भ के नागरिक गणों को गुमराह करते हैं। चुनाव के समय में खड़े हो जाते चुनाव के लिए और फिर वोट ले लेते, वोट समेट लेते, वोट बैंक तैयार कर लेते और जब वोट मिल जाते चुनाव में वो जीत कर आ जाते, पैसे के दम पर, दारू के दम पर, शराब के दम पर, ये सब चीज का क्या बोलते से उपयोग कर ये जब चुनकर आ जाते हैं, अपने सत्ता में बैठते हैं, सत्ता में बैठने के बाद फिर ये विदर्भ का मुद्दा छोड़ देते हैं। अभी एक मुझे बात बताइए, जिस समय में नोटबंदी करे उस समय में क्या बोलते से मोदी जी ने तुरंत ऑर्डर दिया कि नोट बंद होना चाहिए। मेरा भी तुरंत ऑर्डर है कि विदर्भ के अंदर में विदर्भ राज अलग होना चाहिए और तुरंत विदर्भ के अंदर में सारे बियर बार, दारू वारू सारे बंद हो जाना चाहिए। आंदोलन कहाँ से शुरुआत होने वाली है? और आंदोलन मीठा नीम दरगे के पास में जो विदर्भ स्तंभ है वहां से आंदोलन हमारे शुरू होंगे और हर जगह जगह आंदोलन छेड़े जाएंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले वो विदर्भ पृथक विदर्भ दे, स्वतंत्र विदर्भ दे, उसके बाद चुनाव का सोचे और चुनाव को आगे बढ़ाए। मैं ये कहूंगी तब तक चुनाव ना करें। मैं यही अपने सरकार से मांग करती हूँ, चुनाव आयुक्त से मांग करती हूँ और हमारे राष्ट्रपति से मांग करती हूँ। आपके संगठन का नाम और आपका नंबर? मेरे संगठन का नाम है विदर्भ विदर्भ स्वराज्य आंदोलन।